और शिलंगी खंडवा के हरसूद पूर्व सीएम कमलनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। टकना पड़ रहा है खाद के लिए, कांग्रेस का कार्यकाल था, ज्यादा नहीं बोलना चाहता, कांग्रेस का कार्यकाल बंद था। मैं 15 महीने मुख्यमंत्री रहा, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए, 11.5 महीने थे मेरे पास। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया और मैं भी सौदा कर सकता था। याद रखिएगा, विधायक आते थे कि हमें इतना पैसा मिल रहा है, मैंने कहा था मौज करो, कमलनाथ सौदा करने वाला नहीं है, कमलनाथ सौदा करके कुर्सी में मैं नहीं बैठूंगा। 27 लाख किसानों का पहली किश्त में मध्य प्रदेश में माफ किया, और खंडवा जिले में 58,000 किसानों का 260 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया पहली किश्त में। आने दे जी अपनी सरकार, ये तो पहली किश्त थी, हमने दूसरी किश्त चालू करी थी, केवल डिफॉल्टर का नहीं चालू खाते वालों का भी। आएगी अपनी सरकार और हम हर किसान का कर्जा माफ करेंगे। मैंने कौन सी गलती करी? 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी आपको? दी 100 रुपए 100 यूनिट? आज जाके बिजली का बिल देखिएगा, कौन सी गलती करी, कौन सा पाप मैंने किया कि 1,000 गौशाला बनाई? 11 महीने में 1,000 गौशालाएं मैंने बनाई, कौन सा पाप मैंने किया? मैंने पेंशन बढ़ाई, मैंने विवाह का पैसा दिया, हम और करेंगे, हमारी घोषणा वचन पत्र में है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, पर आपसे यही कहता हूं कि आपको छुटकारा, आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना है। शिवराज सिंह जी की तो घोषणा मशीन आजकल डबल स्पीड पर चलती है, पिछले 5 महीनों से उनको बहनें याद आ गईं, 18 साल बाद बहनें याद आ गई हैं, लाडली, इसके पहले लाडली नहीं थी हमारी बहनें, अब तो लाडली बन गई चुनाव के पहले, और सोचते हैं कि ये प्रलोभन देके ये हमारे माता और बहनों को खरीद लेंगे। कांग्रेस की सरकार आने देगी, हमने तो कहा हर माता को 1500 रुपए देंगे, और ये हमारा वचन है, जैसे मैंने दूसरे वचन भी पूरा करना शुरू किया था इसे भी पूरा करूंगा। गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, हमारी माताएं और बहनें हमारा घर चलाती हैं, उनको भी शक्ति देनी चाहिए। पुरुष तो हो जाएंगे शक्तिशाली, पर माताओं और बहनों को शक्तिशाली बनाएं। हमने किसान के साथ न्याय करा अपने कार्यकाल में, आपको भटकना नहीं पड़ा खाद के लिए, हमने सही मूल्य देने का प्रयास किया। हमारी सरकार आएगी, हम गेहूं के लिए 2600 रुपए देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों की आर्थिक मजबूती बने, ताकि जो नौजवान कृषि परिवार से हैं उनके हाथ में वो अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें, कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। ये हमारा प्रयास है, ये हमारा नजरिया है। और अब अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज आसपास देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, दाएं देखिए, बाएं देखिए, नौजवान बिना काम के, सही बात है, किसान बिना दाम के, बिना खाद के, शिवराज जी आप किस काम के, ये समझाइए। आज मुझे ताज्जुब होता है, मैं आके यहां देखता हूं इनके चेहरे नौजवानों के, मैं ये नालियां देखता हूं, मैं देखता हूं ये कैसे विकास से वंचित रहा है, 35 साल आपका कितना शोषण किया है, शिवराज सिंह जी को नहीं दिखता, इनको ये नौजवान के चेहरे नहीं दिखते, इनकी आंखें नहीं चलती, किसान की पुकार, किसान का दुख ये सुन नहीं सकते, इनके कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। मैं तो ये क्या है?
ये आज साफ प्रशासन सुन ले, 6 दिन बचे हैं, पुलिस वाले आप भी सुन लीजिए, आपकी कौन सी वर्दी होगी मैं देखूंगा। अगर आपने गुलामी करी, आप अपनी वर्दी का सम्मान करिए, आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, और अगर पुलिस ने ये गुलामी भी करी तो इस गुलामी का इलाज भी कमलनाथ के पास है। और सुन ले प्रशासन, सुन ले बीजेपी के नेता, कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं है, हम 2023 के मॉडल हैं। और हमारी सरकार बनेगी, हमने पैसा एक्ट हम लाए थे, पैसा का कानून हम लाए थे आदिवासियों के लिए, 18 साल बाद इन्होंने नियम बनाए, ऐसे नियम बनाए कि कैसे पैसे निकाल लिए जाएं, कैसे इसमें भ्रष्टाचार कर लिया जाए। हमारा हमारी सरकार आएगी, हम नए नियम बनाएंगे, हम आदिवासियों से ही अपने आदिवासियों भाइयों की ही समिति बनाएंगे ताकि इसमें सरलीकरण होए। और जो हमारा उद्देश्य था पैसा एक्ट का, उसका आपको पूरा अधिकार मिले। मैंने तो विश्व आदिवासी दिवस में भी छुट्टी दी थी, मैंने तो बर्तन का बैंक बनाया था, ये सब आप सबके सामने है। अंत में एक ही बात कहूंगा, 18 तारीख को जो आप बटन दबाएंगे, 17 तारीख को जो आप बटन दबाएंगे, वो बटन केवल एक उम्मीदवार या एक पार्टी का बटन नहीं होगा, ये बटन सच्चाई का होगा। तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, मध्य प्रदेश की तस्वीर, अपने हरसूद की तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, इन नौजवानों की बेचैनी की तस्वीर रख लीजिए अपने सामने।